देखो गाइस, हमारे पति अपनी प्रतिभा दिखाते हुए इन्हें ये एक दिन हुआ क्या था, ये हमारे यहाँ पर रखे हुए हैं पिछले वन वीक से। मेरे ख्याल से जब बारिश स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे ये ऑफिस जा रहे थे, जाते टाइम इन्होंने कहीं पे नारियल पड़े हुए देखे ये, तो इन्होंने सोचा मैं इन्हें घर लेके जाऊंगा, और ये इन नारियल को वहां से उठा के जाते टाइम जब ऑफिस जा रहे थे तो कहीं सेफ जगह पे रख के चले गए, और मुझे ऑफिस में से फोन करके बोले कि मैं ना आज नारियल रख के आ रहा हूँ, पता नहीं आते टाइम मुझे मिलेंगे या नहीं, मैं उन्हें लेके आऊंगा। अब ये जब ऑफिस से आए तो आते टाइम ऑफिस से ये वहीं पे रखे हुए मिले इन्हें नारियल, और अब तब से इनका वो नहीं कहते शुभ मुहूर्त आज हुआ है, और ये देखो ये मेरे पतिदेव लगे हुए हैं तोड़फोड़ करने में। अब मुझे नहीं पता इनमें से क्या निकलेगा। अच्छा ये वो है क्या पका हुआ नारियल, ये जो पेड़ से गिरता वो जो मार्केट में मिलता वो वाला नारियल ये। और ये कौन, ये नहीं मार्केट यार, जब मैंने गाइस देखो मूर्खों वाली बात कर रहा है, मतलब मैंने बोला एक मिनट जब मैंने बोला कि मेरा पतिदेव अपने ऑफिस जाते हुए रास्ते में ये पेड़ से पड़े हुए नारियल देखे, इट मीन्स कि ये पेड़ से टूटे हुए नारियल है, ना कि ये मार्केट में मिलने वाले नारियल है। अरे डिफरेंस होता है, मार्केट में मिलने वाले नारियल है ना, वो आसानी से छीले जा सकते हैं, तो ये भी तो आसानी से छीले जा रहे हैं। ये जो बाहर का एरिया ना ये बहुत कठोर होता है, मुझे तो ये बड़े आसान लग रहे हैं छिलता हुआ, तो छील के देखते मांगे राम और तो दो ही भाई है। और देखो गाइस हमारे ना ये नारियल का पेड़ है यहाँ पे, इन पे भी छोटे छोटे नारियल आ रखे हैं, अगर आप देख पा रहे होंगे, देखो नीचे तो थोड़े से वो उस साइड में थोड़े से ये बड़े हो गए हैं, और ये अभी होने लग रहे हैं छोटे से। हमें नहीं पता था कि ये हमारे यहाँ पे भी घर में भी नारियल का पेड़ है, हम तो सोचते थे जो वो एक आर्टिफिशियल नारियल वाला पेड़ आता है डेकोरेशन वाला है ना, तो डेकोरेशन वाला पता नहीं सही बोल रही हूँ गलत, तो ये वही नारियल का पेड़ है। और हमारे घर में ऐसी बात नहीं है, हमारे घर में काफी सारे पेड़ है, केले का पेड़ भी है, देखो गिर गया था, देखो इसमें केले आए हुए हैं, और हम वेट कर रहे हैं कि कब ये केले बड़े हो। इसी के साइड में यहाँ पे इधर इस केले के पेड़ के साइड में यहीं पे ही पपीते का पेड़ है, और शायद उधर भी है, हाँ उधर भी पपीते का पेड़ है, और देखो नीचे भी काफी सारे फूल ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, और यहाँ पे इधर कोने में गेट के पास में जहाँ पे ये पेड़ दिख रहा है, और ये दिखाते आइए इधर आइए। अच्छा, और ये भाई फाइनली एक नारियल निकल गया अपना, और ये देखो ये दूसरे की पानी है इसमें, पानी है अब ये सारे नारियल फूटेंगे, अब ये सारे नारियल फूटेंगे, पानी मतलब इस टाइम पे भी पानी निकल जाएगा इसमें, हल्का सा जो मार्केट से आता है वाला पानी, तो ये कच्चा नारियल जो बोलते हैं अपनी तरफ दूधिया, दूधिया नारियल वही होगा ना खाने में, दूधिया पता नहीं बोला ही नहीं जाता किसी, अरे हमारे यूपी में बोला जाता है दूधिया नारियल, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, जस्ट शट अप। और देखो गाइस इधर ना पास में यहाँ पे शायद आप लोगों को दिख रहा होगा ये अमरूद है, अमरूद का पेड़ है, और हम जब भी सामने अपनी बालकनी में बैठते हैं ना तो हम दोनों को वहीं पे अमरूद दिखाई देता है, और हम दोनों का मन करता है कि हम वहां से तोड़ के ले आए, और मेरे पतिदेव अब तक ले आते तोड़ कर, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो बहुत ऊपर है, और जो अपने साइड में ये घर है ये खाली पड़ा हुआ है, अभी दिखाती हूँ, ये जो ये पूरा घर है ना ये यहाँ पे पीछे तक ये पूरा मतलब खंडर टाइप है, पता नहीं कब से, देखो बारिश हो रही है इस टाइम पे भी, आगे बात बाद में बताऊंगी, देखो दिख रही होगी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो जो अपनी साइड में ये खंडर टाइप जो घर है इसमें अभी दो तीन दिन पहले यहाँ से कहाँ पे बताऊं, जो ये वाला रास्ता है इधर यहाँ पे ना एक रास्ता बना रखा है छोटा सा इस दीवार में अंदर नीचे, तो इससे यहाँ से एक स्नैक आ गया था, बोले तो सांप इधर हमारे घर में, हाँ स्नैक स्नैक मतलब इंग्लिश में और हिंदी में सांप, तो वो आ गया था, और उसको फिर आंटी अंकल जो है हमारे उन्होंने मार दिया, तो इसलिए। और एक दिन मैंने भी यहाँ पे बहुत लंबा सांप देखा था, मतलब येलो कलर का और पूरा लंबा सांप था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जाना अवॉइड करते हैं, अगर हमारा पीछे कुछ सामान गिर भी जाता है तो हम उसे भी उठाने नहीं जाते हैं,
बट एक बार गाइस पता है क्या हुआ था, मैंने ना पीछे जैसे डस्ट डालने के लिए मैं वो पैन लेके गई और झाड़ू लगाया था, तो डस्ट डालने के लिए पीछे हम लोग पीछे डाल देते हैं, आंटी अंकल ने बोला हुआ है पीछे डाल दिया करो खाली है, तो हम वहां पे डालते, तो मैं वो डालने गई, वो पैन साथ में गिर गया, तो मैं अपने पति को बोली, मैं कहा मेरे से ये गिर गया, तो ये बोले ठीक है मैं उठा के ले आऊंगा। मैंने लाख वो नहीं होता मना की पर फिर भी नहीं माने, बोले मैं इतना नुकसान नहीं कर सकता 30-40 रुपए का। कितना हो गया काम, कितना चल रहा है काम, जोर शोर से चल रहा है। ठीक है गाइस, फिर मैं दिखाती हूँ आपको जब ये पूरे फूट जाएंगे, निकल जाएंगे हम लोग, निकल जाएंगे। ये जो मार्केट वाला नारियल होता ना, जो ये उतरने के बाद जो बच जाता है ये वाला होता है मार्केट वाला नारियल। हाँ मतलब उसमें ऊपर का ये कवर, जो कवर सा है इसका, ये नहीं होता ना, इसलिए उसको ऊपर करना थोड़ा आसान होता है इसके बजाय। आगे का काम तो इसमें देखना, जब ये फोड़ोगे इससे ज्यादा हाथ तो उसमें दुखेंगे। हाँ दुखेंगे, अब तो तीन हो चुके हैं, एक ही तो बचा है। ये तो बहुत छोटा है यार। ये तो बच्ची सा है। खराब हो रहा है क्या गाइस, देखना ये छील छील के यहाँ पे कबाड़ा इकट्ठा करके ये चार इस टोकरी में लेके। और भाई ये मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसे फोड़ो ऐसे फोड़ो। और मतलब हद की बात तो ये देखो, अरे रुको उसको तो देख लिया मैंने, हद की बात तो ये देखो कि अभी देख खोल ही नहीं रहे हो, फायदा क्या हुआ, मैं तो बैठी हूँ खाऊंगी। खाएगी तो छोटे वाला फोड़ देते हैं तेरे लिए। चलो जल्दी जल्दी फोड़ो यार, ये तो बड़ा गलत सीन है यार, ये फूटेगा सारी। देख कभी हाथ तुड़वा ले, ठीक है, या फिर मैं बाहुबली तो हूँ इसको ऐसे करके तोड़ दूंगा। ठीक है गाइज, हम अपना नारियल फुड़वाते हैं पीछे छत पे ले जाकर, और मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा क्योंकि हमारे पतिदेव की इतनी मेहनत थी इस वीडियो में। और बस अब हम लोग अपना मेरा अब एक मिनट तो यार मुझे बोलने तो दो, इसे तो शांत रखो दो मिनट भाई। यहाँ फोड़ू क्या? हाँ फोड़ो फोड़ो, अभी अभी साउथ की मूवी होती तो उसमें तो यही फोड़ के फोड़ यही रख के फोड़ देते ऐसे, बाकी आजकल तो अपनी हिंदी मूवी में भी सब जगह फोड़ते हैं। पता है फूट तो जाए ये नीचे गिर जाएगा। हाँ वो कहते थे ना एक पुराना बहुत पुराना चुटकुला था। हाँ बुलाना टीटी ट्रेन रोक दे बच्ची पड़गी। हाँ तो टीटी ट्रेन रोक के पता चला जो प्याज होता ना उसके अंदर की जो छोटी सी होती है उसको हरियाणा वाले पहले बच्ची बोलते थे, अब भी बोलते जो बड़े बूढ़े है। अच्छा मेरी बच्ची पड़गी। टीटी बोला तो चोट तो नहीं लगी बच्ची के, तो तब बोला ना बेटा चोट तो ना लगी पर क्रिक्री होगी तो खानी पड़ेगी। तो गाइस मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, तो कृपया करके लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना, और कोई मेथड हो नारियल तोड़ने का तो वो भी कमेंट में करना। किसे नारियल तोड़वाने हो तो नुक्ता दे लियो। हाँ बिल्कुल दे देना, इनमें हाँ फ्री सर्विस है। मैं जा रही हूँ अभी पीछे क्योंकि मेरे पति देव गए हुए हैं पीछे छत पे। ये लो फोड़ दिया वो वाला नारियल। हाँ एक वो तो लिया कुछ गिलास। अरे गिलास तो तब ना जैसे उसमें बहुत पानी निकलेगा, पहले उसमें तो पानी निकले है? पहले वाला नारियल कहाँ है जोन था तूने वो फोड़ा था? खाले, खाले, खाले। यार हमारा ना एक नारियल बिल्कुल खराब निकला। अब बारी भाई दूसरे की। छुटी, 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 छुटी। अरे पहले खोल तो ले, क्या पता इसमें पानी निकले ना निकले। निकलेगा ठीक, आ जाओ जल्दी जल्दी ले ले गिलास में डाल पानी, पानी डाल गिलास में। गाइस मेरे साथ ना इतना मतलब परेशान कर दिया मुझे कि पानी निकलेगा पानी निकलेगा, इसमें से एक बूंद भी पानी नहीं निकला है। और मुझसे गिलास मंगवा के रख लिया, ये भी खराब निकलेगा देख लेना, पक्का खराब निकलेगा, और तुम्हारी मेहनत ना ये बर्बाद जाएगी, और जब बाद में मेरी मेहनत हो ना गंदा हो रखा। देख इधर से, इधर से दिखा। अरे ये वो लाग रहा है ना ना, दिखा दे ये यहाँ से, दे ये इधर से गंदा ना हो रहा है। जिस चीज के लिए तूने जिस चीज के लिए तूने फोड़े थे वो तो मिला ही नहीं। पानी निकला रुको
देखो गाइज, इतने ये 3 नारियल का पानी है। ओहो हो, तृप्ति हुई, अमृत। करो करो, बारिश में भी शांति नहीं है। लेट्स गो बाहुबली बनते हैं ना, कभी मुझे लग जाए ये बाहुबली बनने के। लो लो, मैं पीछे गई, बनो बाहुबली बाहुबली बाहुबली। ये बाहुबली बन रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं, ये चलो 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 भाई, हम बाहुबली बन गए, ये निकल गया है। चलो चलो, अभी एक बार और नहीं, एक बार और निकलेगी तो फिर कैसे तोड़ोगे? अभी इसमें से पानी निकलवाना है ना तुम्हारा, तुम पानी पियोगे, तुम्हें पानी बहुत पसंद है नारियल का। अच्छा, तुम्हारी सुंदरता का राज ये है क्या? पता चल गया क्या आपको? पानी तो इसमें भी नहीं है ना? नहीं है। ये देखो कितना सारा इकट्ठा हो गया।